श्वास श्वास पर हरि भजो, व्रथा श्वास जनी खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो ये ना हो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते निस्तन शाम सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। भगवान को प्यारा कौन है? संत भगवान को प्यारे हैं, तो संतों के चरणों को पकड़ो परिचित। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब मैं निहारूं रूप सुनहरा, सब मैं निहारूं रूप सुनहरा, क्यों भी सांझ सवेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश परीक्षित को प्रदान किया। परीक्षित ने कहा, प्रभु ध्यान तो प्रभु के चरणों में बहुत लगाना चाहता हूं, पर ध्यान लग नहीं पा रहा है, मृत्यु नजदीक है ना, सातवें दिन मृत्यु होना है, ध्यान कैसे लगेगा? तो चार उपाय बताए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। परीक्षित, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहते हो तो चार सूत्र जीवन में अपना लो, और ये चार सूत्र ना केवल भगवत प्राप्ति के लिए हैं, बल्कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इन चार सूत्रों को अपना लो। निश्चित रूप से जो मंजिल जो लक्ष्य आपने तय किया है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जितासनो, पहला सूत्र है, आप आसन के पक्के हो, आपके भीतर चार घंटे छह घंटे आठ घंटे एक आसन पर बैठने की क्षमता हो। एक दुकानदार जब नई नई दुकान खोलता है, एक डॉक्टर जब नई नई क्लिनिक खोलता है, पेशेंट नहीं आते शुरू में, पर अपनी सीट पर चार घंटे छह घंटे आठ घंटे जब रोज बैठता है, ग्राहक आने लगते हैं, पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं, और एक आसन से बैठकर जब भगवान का भजन किया जाता है तो पहले तो मन नहीं लगता और फिर भगवान में ही मन रमने लगता है। जितासनो जित श्वासो, दूसरा नियम है, श्वास पर आपका नियंत्रण हो प्राणायाम के द्वारा, पूरक कुंभक रेचक आदि क्रियाओं के द्वारा परीक्षित मन को नियंत्रित करके भगवान का भजन करो। जित संगो, आपका संग बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, आपका जो संग है, आप ऐसे व्यक्तियों के बीच में ना बैठें जो आपको डिमोटिवेट करें। अरे भैया कहां कर पाओगे यार, बहुत झंझटे हैं। नहीं, ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो आपको प्रोत्साहित करें लक्ष्य प्राप्ति के लिए। नहीं, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने किया है। जित संगो जितेंद्रियः, इंद्रियों पर संयम करो। इंद्रियों पर संयम हो गया तो मन पर संयम हो जाएगा, और मन पर संयम हो गया तो भगवान की प्राप्ति सात दिन क्या एक क्षण में हो सकती है। बड़ा सुंदर उपदेश भागवत जी के द्वितीय स्कंध में, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, कथा के क्रम को भी पूरा करना है। आगे महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित से प्रश्न किया कि परीक्षित जी बताओ, कथा सुनने के लिए तुम बैठे हो, भगवान की प्राप्ति किसे जल्दी होती होगी, बता सकते हो क्या? परीक्षित ने कहा, जो दिन में पांच बार स्नान करता होगा शायद उसे भगवान मिलते हो। बोले नहीं, जिसका आचरण पवित्र होगा शायद उसे भगवान मिलते हो। बोले नहीं, जो सुंदर होगा शायद भगवान उस पर जल्दी रीझ जाते हो। बोले नहीं, जो पढ़ा लिखा हो शायद भगवान उस पर जल्दी कृपा करते हो। नहीं, जो धनवान हो, जो धनवान हो उस पर शायद जल्दी कृपा करते हो। नहीं, उत्तर दिया सुखदेव जी ने, व्याधस्याचरणम भयो, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च भयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किं पौरुषम् कुबजाया किमु तत्र रूपमधिकम्, किम तत् सुधाम्नो धनम्, भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधवः।